जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.1 में मीन से रिलेटेड पूरा पार्ट ऑब्जर्व किया है। आज उसी से कनेक्टेड हम देखने वाले हैं कंबाइंड मीन वाला हिस्सा। तो बहुत इजी फॉर्मूला है हमारे पास कंबाइंड मीन की। जब एक से ज्यादा मीन्स आपके पास अवेलेबल हो डिफरेंट ग्रुप्स के, यानी क्या हम कहते हैं, इफ x1 बार x2 बार अप टू xk बार आर मीन्स ऑफ k ग्रुप्स एंड n1 n2 अप टू nk आर ऑब्जर्वेशंस इन k ग्रुप्स, ठीक है, इस तरह से दिया जाता है, देन कंबाइंड मीन जो है इज डिफाइंड एज, कंबाइंड मीन को हम डिफाइन करते हैं x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस अप टू आप जाते हो nk, अगर k ग्रुप्स है तो अपॉन n1 प्लस n2 प्लस अप टू हम जाते हैं nk तक, ठीक है। तो ये जो है हमारी फॉर्मूला हो जाती है कंबाइंड मीन के लिए, नोटेशन है x c बार कहा जाता है, x बार c बोलते हैं कुछ लोग, x c बार कहा जाता है, कंबाइंड मीन कहते हैं हम इसे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, उसमें ऑलमोस्ट दो ही सम दिए हैं, इलस्ट्रेशन में भी हमारे पास एक दो सम है, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का एग्जाम्पल है, जिसका पहला सम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन में बताया क्या है, तो बुक के अंदर पेज नंबर 81 पे दिया गया है, ये द मीन डेली वेज पेड टू 75 स्किल्ड वर्कर्स, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स है, स्किल्ड वर्कर्स है, ऑफ अ फैक्ट्री वाज 280, यानी मीन डेली वेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वो है 280। तो सबसे पहला काम हम करेंगे n1 कहा जाएगा, n1 डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स जो कि हमें दिया गया है, पहले बताया 75, फिर उनकी जो मीन वेज है डेली जो उनका अर्निंग है वो दिया है, ठीक है, मीन डेली वेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स है, वो वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है ₹280, ठीक है। तो पहला डेटा पहली लाइन से हमें इतना मिलता है, n1 नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, उनसे रिलेटेड एवरेज उनका डेली अर्निंग जो है वेज वो दिया गया है। फिर उसके बाद whereas the mean daily wage paid to 125 unskilled workers was 150, दूसरा वाला डेटा दिया है हमें, उसमें दिया है नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स, तो पार्टीशन है वर्कर्स के दो हिस्से किए गए हैं जो कि हमें बताया गया है, दे आर 125 और उनकी एवरेज जो अर्निंग है, यानी हम कह सकते हैं मीन डेली वेज, तो ये आपको इस तरह से डिफाइन करना होता है बच्चों, ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स वो हमारे पास है रुपीज, अनस्किल्ड है उनका नेचुरली डेली वेज कमी होगा 150 रुपीज, ये हो गया हमारा डेटा रेडी। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्लियरली पूछा है फाइंड द मीन वेज ऑफ ऑल वर्कर्स, जब भी ऐसे ऑल कहा जाए दैट मींस हम यूज करेंगे कंबाइंड मीन, ठीक है। सो फॉर ऑल वर्कर्स दैट इज xc बार, दो ही है हमारे पास तो फॉर्मूला भी दो तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब सभी वैल्यूज तो रेडी है बच्चों, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, 75 इंटू 280 करना है, n2 यानी हमारे पास 125 है, इंटू करना है हमें 150, वैल्यू रखनी है और आराम से आपका काम हो जाएगा, n1 हमारे पास है 75 एंड n2 है 125, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम आगे जा रहे हैं, 75 इंटू 280 दैट इज 21,000, उसी तरह से 125 इंटू 150 जो कि होगा 31,250, ठीक है,
डिवाइडेड बाय 200 होगा। सो टोटल कर लेते हैं 21,000 के साथ ऐड करेंगे 31250 को, तो ये टोटल होगा 52250, 52,250 डिवाइडेड बाय करना है हमें उसे 200 से, तो मिल रहा है एवरेज जो डेली वेज है हम कह सकते हैं दैट इज 261.25 रुपीस। ठीक है, डेली वेज है, डेली उनका अर्निंग है, तो ऑन एन एवरेज हम कह रहे हैं वो हमें मिल रहा है 261.25। फाइनल आंसर लिखना चाहिए हमें, क्वेश्चन पूछा था उसी हिसाब से। मीन वेज फॉर ऑल वर्कर्स और पूछा इसने कंबाइन में इज रुपीज 261.25। तो ये हुआ हमारा छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल। एक और छोटा सा एग्जांपल भी हमें उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चौथा नंबर है एक्सरसाइज 3.2 में, वो भी है हमारा कंबाइंड मीन वाला, तो देखते हैं हम उसे। तो पेज नंबर 82 पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है हमारे पास द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 7 थियरी पेपर्स इज 62। 7 थियरी पेपर्स में उनके 62 एवरेज मार्क्स है। अब आगे बढ़ना है, ये N1 है, N2 है, क्या है पता नहीं अभी हमें। What should be the marks in 3 practical examinations so that his mean marks for the entire examination is 68? ठीक है, 7 सब्जेक्ट 7 थियरी पेपर है बच्चों, उसके मार्क्स जो है वो 62 दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ अलग है, यानी थियरी पेपर्स एंड प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों है, नीचे मैं नोटिंग भी किया है क्वेश्चन में that the marks of each theory paper and practical examination are same. तो 7 theory paper है और 3 जो हमारे पास है वो practical papers है, practical examinations के papers है वो, और उन्होंने हमें practical theory, practical marks जो है practical के वो नहीं दिए है। उन्होंने हमें दिया क्या है कि question is what should be the mean marks in 3 practical examinations, यानी practical examinations से related 3 paper है उनका mean हमें फाइंड करना है। यानी सबसे पहले अगर मैं कहूं तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 का ये हमारा चौथा एग्जांपल है, पहले को हम N1 कहेंगे, नंबर ऑफ थियरी पेपर्स जो कि हमें दिया गया है 7, उसका एवरेज मार्क्स का हिस्सा भी दिया है, मीन मार्क्स इन थियरी पेपर्स वो भी रेडी दिया हुआ है, वो हमें उन्होंने दिया है 62। ठीक है, अब जो है N2 भी हमारे पास है, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो कि है हमारे पास यहाँ पे 3। ठीक है, मगर X2 बार उन्होंने नहीं दिया है, यानी मीन मार्क्स ये हमें ढूंढना है। ठीक है, मीन मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम, और जो दिया क्या है कंबाइंड मीन हमें दिया है यहाँ पे, लास्ट एग्जाम में हमने कंबाइंड मीन ढूंढा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर से लाइन पढ़ लेते हैं, व्हाट शुड बी द मीन मार्क्स इन 3 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सो दैट इज मीन मार्क्स फॉर द एंटायर एग्जामिनेशन। ठीक है, एंटायर का मीनिंग थियोरी प्लस प्रैक्टिकल के पेपर्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट मीन मार्क्स फॉर, अंदर से लिखना है फॉर द एंटायर एग्जामिनेशन, पूरी एग्जामिनेशन का जो एवरेज है वो हमें दिया हुआ है और वो है 68। तो इन शॉर्ट आपको कोई भी एक आध मिसिंग वैल्यू यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर बात करें कंबाइंड मीन की फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बाकी वैल्यूज रख देते हैं। सो XC बार इज इक्वल टू N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, और वैल्यू रखनी है हमें जो भी अवेलेबल है, 68 है, N1 अवेलेबल है 7 इंटू 62 प्लस N2 यानी 3, X2 बार ढूंढना है उसे वैसे का वैसा ही रखते हैं, N1 प्लस N2 यानी 7 प्लस 3। सो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, आंसर आ जाएगा 68 इज इक्वल टू 7 इंटू 62, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, सो दैट इज 434। पड़ोसी X2 बार वाला हिस्सा वैसा ही रहेगा, नीचे होगा 10, 10 को इधर ले जाते हैं तो 68 into 10 होगा, that is 680,
इक्वल है यानी लेफ्ट में भी आप लिख सकते हो, तो 434 को मैं शिफ्ट करूंगा प्लस है, इज इक्वल टू के लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा, बेसिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन। सो 680 माइनस करना है हमें 434 और वो टोटल मिलेगा 246 इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स होगा। देयरफॉर अगर इसे सीधा लिखे, वैसे आप पहले भी लिख सकते थे सीधा ही, तो x2 बार मिलेगा 246 डिवाइडेड बाय 3, सो बाय 3 करते हैं तो वो होगा 82। ठीक है, तो क्वेश्चन जो उनका था कि व्हाट शुड बी द मीन मार्क्स इन 3 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, हम कह सकते हैं देयरफॉर मीन मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन is 82। तो ये हो गया हमारा हिस्सा कंबाइंड मीन वाला। बच्चों इसके जैसे इलुस्ट्रेशन भी है तो खास वो ऑब्जर्व करना, एक इलुस्ट्रेशन नंबर 12 है, इलुस्ट्रेशन नंबर 12, उसके साथ इलुस्ट्रेशन नंबर 10 एंड 11, तो टोटल 3 इलुस्ट्रेशन दिए हैं 10 11 एंड 12, जिसमें 12 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें कुछ रनरेट का हिस्सा दिया हुआ है, तो ये जो हुआ वो हुआ हमारा कंबाइंड मीन का हिस्सा। और अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं हमारा वेटेड मीन का हिस्सा। तो बच्चों कंबाइंड मीन को समझने के बाद अब हम देखने वाले हैं दूसरा मीन जो कि हमें ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे, जिसे कहा जाता है वेटेड मीन। अब नाम के ऊपर से ये बच्चों इसमें वेट्स दिए जाते हैं, जब इंपॉर्टेंस अलग अलग हो हर एक ऑब्जर्वेशन में देन वी यूज वेटेड मीन। अब उसमें होता क्या है, वेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला वाइज अगर हम कहते हैं एक्स डब्ल्यू बार, तो फॉर्मूला में हम कहते हैं सिंपली डब्ल्यू वन एक्स वन डब्ल्यू टू एक्स टू अप टू डब्ल्यू के एक्स के डिवाइडेड बाय, यहां पे नीचे खाली क्या आता है, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू के। तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड डेटा दिया जाए, वेटेज दिए जाए अलग अलग, तब हम ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना x1 बार x2 बार x के बार नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कहना चाहे आगे लिखते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं वेयर डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू के आर वेट्स फॉर के ऑब्जर्वेशन, और वो के ऑब्जर्वेशन कौन से होंगे, x1, x2, up to xk, यानी अलग अलग ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड अगर वेटेज दिया जाता है, वेट दिया जाता है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया जाता है, आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.2 का दूसरा एग्जांपल है, नेचुरली आपको पता चल जाएगा, सिंपल सा पार्ट है। ठीक है, उसमें उन्होंने हमें दिया क्या है, तो फूड आइटम्स दी गई है और क्वेश्चन में जनरली मेंशन करते ही हैं फाइंड वेटेड मीन, तो कष्ट भी नहीं जाएगा कि कंबाइंड मीन यूज कर रहा है या वेटेड मीन। तो फूड आइटम्स दी गई है हमें यहाँ पे, जिसे रिलेटेड हमारे पास दोनों ही डिटेल है, राइस व्हीट है, टी है, शुगर है एंड पल्सेस है। फिर वेट लिखा हुआ है क्लियर, कि जैसे मैंने कहा था कि वेट मेंशन करते हैं उसे हम डब्ल्यू कहेंगे। ठीक है, तो 7, 10, 5, 8 एंड 2, उसी तरह से परसेंटेज चेंज इन प्राइस मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जिसे हम कहेंगे हमारा एक्स। तो आपको करना क्या है, खाली जैसे कि हमारी फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूला को इन जनरल अगर हमें लिखना है तो एक्स डब्ल्यू बार लिख सकते हैं, सिग्मा डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू आई। ठीक है, अब सबस्क्रिप्ट आई भी यूज कर सकते हो, आई ना लिखो तो भी चलता है, आगे भी हम ये कह चुके हैं। ठीक है, ये आई क्यों लिखा जाता है, बिकॉज ऑफ दिस एक्स वन एक्स टू एक्स के, ये सब कॉमन सभी के लिए एक्स आई लिखा जाता है, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू के कॉमन लिखा जाता है डब्ल्यू आई। सो ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास 134, 125, 115, 97 एंड 120, तो इतना हिस्सा दिया हुआ है। अब हमें यूज करना पड़ेगा हमारा कैलकुलेटर, मल्टीप्लाई करेंगे, हमें वेट का भी टोटल चाहिए तो पहले वो हम टोटल कर लेते हैं। सो ये टोटल जो है सिग्मा डब्ल्यू आई हमारे पास है रेडी है,
वेट का टोटल 32, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 134 इंटू 7 दैट इज 938, 1250 हो गया ये, देन 115 इंटू 5 करेंगे दैट इज 575 होगा, देन 97 इंटू 8 करना है 776 है एंड ये तो होगा 240. इन सभी का टोटल कर लेते हैं तो हमें मिलेगा सिग्मा डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई. सो ये जो टोटल है वो हमें मिल रहा है 3779 डब्ल्यू आई एक्स आई, इसका टोटल हमें मिल रहा है 3779. तो ये टोटल हमारा रेडी हो चुका है. अब करना क्या है, सो देयरफॉर वेटेड मीन क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर लेना है, उन्होंने पूछा क्या है वेटेड मीन ऑफ द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो पूरा लिखना है ऑफ द परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट इज एक्स डब्ल्यू बार सिग्मा डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू आई. टेक्निकली आप देख सकते हो इट इज 3779 डिवाइडेड बाय हमें करना पड़ेगा 32. सो 3779 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे तो दैट इज 118.09375 है. दो डिजिट हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं सो हमारा कंबाइंड मीन जो है वो होगा 118.09. ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पे वेटेड मीन के लिए कंक्लूजन में कि परसेंटेज में 118.09%. ठीक है, क्वेश्चन परसेंटेज में है तो इसका आंसर भी क्या आएगा परसेंटेज, क्योंकि लिखा है हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, तो लास्ट में आंसर में हमें इस तरह से उसे मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो हिस्सा हुआ ये हमने ऑब्जर्व किया कंबाइंड मीन का, सॉरी हमने ऑब्जर्व किया वेटेड मीन का. ओवरऑल अगर दोनों की बात करें तो हमने कंबाइंड एंड वेटेड मीन का पार्ट जो है वो पूरा ऑब्जर्व कर लिया है. नेक्स्ट सेशन जो है उसके अंदर हम ऑब्जर्व करने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन के कुछ एग्जांपल्स. ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहाँ तक रखते हैं, बच्चों रेडी करना है, इलस्ट्रेशन भी देख लेना है, इसका सब नंबर 3 मैंने नहीं करवाया, समझा तो दिया है वो आप आराम से कर पाओगे. ठीक है, यहाँ तक रखेंगे इस सेशन में हमारा काम. जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर. Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.